कानपुर बिकरूकान में शहीद सीओ की बेटी बनी ओएसडी सिपाही के भाई ने भी पहल लिखा कि दोनों को कानपुर पुलिस कमिश्नरी में मिली तैनाती। बिकरूकान में शहीद सीओ की बेटी वैष्णवी मिश्रा को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिल गई है। शहीद हुए एक सिपाही के भाई ने भी खाकी पहन ली है। कानपुर कमिश्नरी में दोनों की तैनाती की गई है। दोनों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिकरू गांव में दबिश दी थी। विकास दुबे व उसके गुर्गों ने हमला कर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इसमें बिल्लौर सीओ देवेंद्र मिश्रा भी शहीद हुए थे। उनकी बड़ी बेटी वैष्णवी मिश्रा ने ओएसडी पद के लिए आवेदन किया था। एक साल तक चली प्रक्रिया के बाद आखिरकार वैष्णवी को नियुक्ति मिल ही गई। वैष्णवी की तैनाती पुलिस मुख्यालय में की गई थी, लेकिन अब उनका तबादला कानपुर कमिश्नरी में कर दिया गया। पुलिस ऑफिस में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। संबंधित अफसर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहीं आगरा के फतेहाबाद निवासी सिपाही बबलू कुमार भी शहीद हुए थे। बबलू की तैनाती बिठूर थाने में थी। बबलू के छोटे भाई उमेश ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। फिजिकल और मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद उमेश ने अब खाकी पहन ली है। नियुक्ति के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरी में भी उनको तैनाती मिली है। फिलहाल वो पुलिस लाइन में तैनात हैं। तो वहीं दरोगा अनूप सिंह, दरोगा नेबूलाल और सिपाही राहुल कुमार की पत्नियों ने दरोगा पद के लिए आवेदन किया है। राहुल कुमार की पत्नी दिव्या ने फिजिकल भी पास कर लिया। प्रक्रिया जारी है। अन्य के भर्ती होने की भी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अन्य 3 पुलिस कर्मियों के परिजनों ने नौकरी के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।